हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकुंज पटेल, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल एंड ट्रबल शूटिंग इन वैक्यूम क्लीनर। जो वैक्यूम क्लीनर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसके अंदर कुछ फॉल्ट होते हैं या फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। वैक्यूम क्लीनर इज़ यूज टू क्लीन डस्ट एक्सेट्रा इन हाउस। वैक्यूम क्लीनर जो है हम लोग सब जानते हैं, उस जो डस्ट है या फिर धूल मिट्टी है सब रिमूव कर क्लीन करने के लिए हाउस में या फिर ऑफिसेस में भी हम लोग यूज़ करते हैं उसका। मोस्ट ऑफ डस्ट एक्सेट्रा इज क्लीन बाय द ब्रश, बट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर नॉट क्लीन एंड दे आर सेटल ऑन द टीवी कर्टेंस एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ जो डस्ट होता है वो ब्रश जो होता है उससे क्लीन हो जाता है, लेकिन बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे धूल ऐसे सब कुछ होता है वो सेटल हो जाते हैं टीवी के ऊपर या फिर कर्टेंस जो पर्दे होते हैं उसके ऊपर या फिर जो आपके घर के कॉर्नर है वहाँ पे, तो वो क्लीन नहीं होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं। इन वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम प्रिंसिपल इज़ यूज। वैक्यूम क्लीनर के अंदर वैक्यूम प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। ऑल द डस्ट पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इन द पेपर बैग ऑफ द मशीन। और जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पेपर बैग के अंदर, मशीन के अंदर रखा होता है पेपर बैग, उसके अंदर कलेक्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लोर ब्रश द डस्ट पार्टिकल कलेक्टेड ऑन द फ्लोर गेट लूज एंड आर कलेक्टेड इन द मशीन थ्रू होस। जो फ्लोर ब्रश है उसकी मदद से हम लोग जो डस्ट पार्टिकल है जो कलेक्ट हुए हैं फ्लोर के ऊपर उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और बाद में वो मशीन के थ्रू, मशीन का जो हॉश है अभी हॉश पाइप है उसके थ्रू मशीन के अंदर जो पेपर बैग रखा है उसके अंदर सब डस्ट पार्टिकल जो है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम क्लीनर। जो फिगर है उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज़ एक्सप्लेन थ्रू फिगर। यूनिवर्सल मोटर इज़ यूज। ये जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसके अंदर मोटर यूज़ होता है और वो मोटर होता है यूनिवर्सल मोटर। वैक्यूम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फैन एट वन एंड ऑफ द मोटर। जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसके एक एंड के ऊपर वैक्यूम प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग फैन। हॉस पाइप इज़ कनेक्टेड एट द सक्शन एंड। जो सक्शन एंड आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर के अंदर, वहाँ पे हॉस पाइप कनेक्ट किया होता है। फ्लोर ब्रश इज जॉइंड एट द अदर एंड ऑफ द हॉस पाइप। जो फ्लोर ब्रश है वो कनेक्ट की होती है हॉस पाइप के दूसरे एंड के ऊपर। डस्ट पार्टिकल्स गेट लूज ड्यू टू द फ्लोर ब्रश एंड एंटर द मशीन थ्रू द हॉस। तो डस्ट पार्टिकल जो है वो सब इकट्ठा होते हैं फ्लोर ब्रश के यूज से और बाद में हॉस पाइप के थ्रू मशीन के अंदर एंटर होते हैं। डीज आर कलेक्टेड इन द पेपर बैग और कैनवास बैग इन द मशीन। मशीन के अंदर पेपर बैग या फिर कैनवास बैग रखा होता है उसके अंदर सब डस्ट पार्टिकल जो है वो अल्टीमेटली कलेक्ट होते हैं। एयर पासिस थ्रू द बैग एंड एंटर्स इन टू द मोटर। जो एयर होती है वो उसका भी थोड़ा प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। एयर पास होती है बैग के थ्रू भी और वो मोटर के अंदर भी एंटर होती है। ड्यू टू डीज द मोटर गेट्स कूल। अगर मोटर जो है उसको कूलिंग प्रोवाइड करना है वो पूरा बंद होता है तो मोटर को कूलिंग के लिए जो एयर पासिस होती है एयर बैग के वो बैग के थ्रू उससे मोटर को कूलिंग भी मिलेगा और हॉट एयर गोज आउट थ्रू द ब्लोअर एंड। और जो गर्म हवा है वो ब्लोअर के एंड के थ्रू बाहर चली जाएगी। सो दिस इज़ बेसिक अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम क्लीनर। नाउ ट्रबल शूटिंग। जो वैक्यूम क्लीनर है उसके अंदर कुछ फॉल्ट आता है तो उसके अंदर उसको कैसे सॉल्व आउट करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट फॉल्ट इज मोटर डज नॉट स्टार्ट। जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर मोटर हम लोग ने यूज़ किए वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके रीजंस और उसका ट्रबल शूटिंग। चेक वेदर द पावर कम्स अप टू द मशीन। आपको सबसे पहले जो वैक्यूम क्लीनर है वहाँ तक पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। चेक फॉर ओपन सर्किट इन द फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड और या फिर आर्मेचर वाइंडिंग अगर ओपन सर्किट हो गए हैं उसको चेक करना है, वो भी एक रीज़न हो सकता है।
चेक वेदर द ब्रशेस आर लिफ्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर। ब्रशेस जो है वो कंप्यूटर के एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, थोड़ा लिफ्ट हो गई है, अलग है, तो वो भी चेक करना है। ये सब कुछ चेक करोगे तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसके सब रीज़न है और आपको ये सब कुछ चेक करना है। सेकेंड फॉल्ट इज फ्यूज़ ब्लोश ऑफ व्हेन द मशीन स्टार्टेड। जैसे ही वैक्यूम क्लीनर आप स्टार्ट करते हो तो फ्यूज़ जो है वो जल जाता है, तो उसका रीज़न या फिर उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करना है। दिस शोज शॉर्ट सर्किट और जैमिंग ऑफ मोटर और फैन। उसका रीज़न हो सकता है इधर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, या फिर मोटर या फिर फैन जो है वो जाम हो गए होंगे, तो आपका फ्यूज़ जो है वो जल सकता है। तो ये सब कुछ आप चेक करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो सकता है। थर्ड प्रॉब्लम इज़ मोटर बिकम्स हॉट। आपका जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो मोटर है वो गर्म हो रही है। रीजन्स फॉर दिस फॉर द इज मे बी डेट द सप्लाई ऑफ द कूलिंग एयर इज़ ब्लॉक्ड और अनदर टाइप ऑफ द पेपर बैग इज़ यूज और बुशिंग्स और बैरिंग माइट हैव जाम। जो मोटर जो है वो गर्म हो रही है आपका वैक्यूम क्लीनर के अंदर, तो उसके रीजंस ये हो सकते हैं कि जो कूलिंग एयर का जो सप्लाई है वो कहीं पे ब्लॉक हो गया है, या फिर कोई और टाइप का पेपर बैग यूज़ किया है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि मोटर के उसको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगा, या फिर जो बुशिंग्स और बैरिंग है वो अगर जाम हो गया होगा तो भी आपका मोटर गर्म हो सकता है, तो उसको आपको देखना है तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। फोर्थ इज स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर एंड ब्रश। कम्यूटेटर और ब्रश के पास स्पार्किंग हो रहा है, तो उसका रीजंस क्या है। द रीजंस फॉर दिस डैट द ब्रशिश माइट हैव वॉर्न आउट लूज स्प्रिंग इन द ब्रश होल्डर। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो ब्रशिस है वो वॉर्न आउट मतलब कि बिगड़ चुके हैं, या फिर घिस गई है, या फिर लूज कनेक्शन होगा, लूज स्प्रिंग का जो प्रेशर है वो इनफ नहीं होगा ब्रश होल्डर के अंदर, तो वहाँ पे स्पार्किंग होगा। तो आप चेक करोगे तो आपका स्पार्किंग का प्रॉब्लम जो है कम्यूटेटर या ब्रश के पास वो सॉल्व आउट हो जाएगा। एंड लास्ट फॉल्ट इज स्पीड इज़ नॉट रेगुलेटेड। स्पीड जो है वो रेगुलेटेड नहीं है, तो उसका रीज़न है इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक स्पीड रेगुलेटर इज़ यूज चेक द ट्रैक कैपेसिटर एंड पॉट। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड रेगुलेटर आपने यूज़ किया है तो आपको ट्रैक चेक करना है, कैपेसिटर और पॉट चेक करना है, तो आपका ये जो स्पीड रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।